फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं हेलो जी बोलने वाली नायरा जी। हाउ आर यू जी? हेलो जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? यार, इनका हेलो सुन के पूरी दुनिया पागल होने वाली है, एटलीस्ट मुझे तो ये लग रहा है। आपको हेलो जी कैसे, फोन पर मिला या फिर आपको जाकर मिला, वो कैसे मिला? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो फोन पर ही मिला, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट मेरा यही था। नायरा यार, एक थोड़ा सा प्यार से सेडक्टिवली हेलो जी बोल के भेजना, हेलो बोल के भेज। सो इट वॉज नॉट हेलो जी अर्लियर, व्हाट इट इज, हेलो हेलो हे, दैट्स हाउ आई That's what I did first. फिर उसके बाद they gave me an audition which was not part of the script at all. It was just to understand Angelina's attitude and her mindset. वो suit करती है कि नहीं character को। जो audition मुझे भेजा था ना, वो वाकई बहुत अच्छा था and I really wanted it to be part of the show as well. So वो दिया मैंने, और मेरी तबीयत उस time बहुत खराब थी, like I had cough and cold, मेरी आवाज़ एकदम बैठी हुई थी उस हालत में। I gave and then they were like, you know, please come and meet, please come and meet. So मैं मिली, now I my real hair is all blue ball and all that. I was fine. It was like second week of not being very well and I'd worn my face shield and I walked in the office and then they were like, your this thing was so superb and you look like Angelina, man, your hair and everything. So I actually thought that my hair did the trick, but in the show we did not keep blue hair. I really want to see, मुझे देखना है वो blue hair आपके। You have to go to my Insta and check, but okay. It's full of blue hair. That's nice. अच्छा, अब इनसे पूछते हैं, बचपन में वो जो पहला फोन था वो कौन सा था, ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन था या फिर मोबाइल था? बचपन में तो ट्रिंग ट्रिंग वाला ही था, मोबाइल तो बहुत बाद में आया है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, कैसा था वो एक्सपीरियंस घर वाले फोन का? घर वाला फोन जो था वो अच्छा ही था, मतलब तार से बात करना चुप चुप के अच्छा था। नाइस। तो पूछो ना, आपके बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन आता तो हाउ डिड यू मैनेज? वो क्या है ना, हमारा एक कोड हुआ करता था कि एक ही रिंग देना एंड फटाक से उठा लेंगे। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। कभी प्रैंक कॉल किया किसी को? बहुत बहुत बहुत, भर भर के। व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड आई वाज 16 इयर्स ओल्ड एंड ऑल दैट, उस टाइम पे तो बहुत ऐसे प्रैंक कॉल्स करते थे हम लोग, घर पे आते थे दोस्तों एंड रैंडमली वी यूज्ड टू मेक कॉल्स एंड से स्टफ लाइक, यू नो, योर सिस्टर इज ओवर हियर, योर एसी इज गॉन बैड, आई एम द रिपेयर गाय एंड दिस एंड दैट, बहुत फालतूगिरी की हमने। आई वाज क्वाइट अ प्रैंकस्टर इन माय कॉलेज डेज। दैट्स नाइस। अच्छा, कभी किसी प्रैंक में आप फंसी हैं? एक थोड़ा सा सीरियस कुछ हो गया था एक बार, आई वॉज इन द लॉ कॉलेज। सो एक लड़का था हु वॉज लाइक क्वाइट लट आउट ऑन मी एंड आई यूज्ड टू नॉट बुली, ओके, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज बी विद गैंग ऑफ फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू बी द सेंटर वन एंड स्टफ लाइक दैट। सो एक बार मैंने बहुत ही नाइसली जेन्युइनली उसको बोल दिया दैट आई थिंक यू शुड सिंग फॉर मी, तो उस बेचारे ने गाना वाना गाया एंड देन माई फ्रेंड स्टार्टेड टेकिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड इट लुक्ड लाइक अ ragging and all that and he got very offended and it turned out to be something not something very big, but my principal told me that Naira, were you ragging him? I said no, he only keeps looking at me, he only keeps standing in front of my friends and then he keeps singing and all that. So I said, you're a good singer, please sing. That's all I did. How is that ragging? Okay, then bach gaye na. बट मैंने जेन्युइनली कोशिश की नहीं थी, इट लुक लाइक दैट बिकॉज ओके आई एम लाइक द डूड ओवर देयर। अच्छा, इफ यू हैव अ वेरी गुड खुशखबरी होती है तो आप किसके पास पहले फोन लगाते हो? मॉमी, मॉमी, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, या मॉम्स। और कभी कुछ सैड हो जाए, दिन अच्छा नहीं जाए? किसी को नहीं, मैं खुद उसको सॉर्ट करती हूँ। रियली? या, दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने की निशानी होती है। I never discuss my sad things and why I'm upset and all that. क्योंकि I like to process it कि ये sad चीज़ है, क्यों है, कैसा है, okay fine, है, this is what I should be doing, this is my solution, get done and move on. Something to learn. अच्छा, पहला मोबाइल किसने दिया था या कैसा था? मॉम ने दिया था, 1100 फ्लैश लाइट वाला। और कोई एक ऐसी याद जो फोन से जुड़ी?
यार वो फोन तो ने, उस फोन ने हमें सिखाया कि हमें टॉर्च वॉच की जरूरत ही नहीं है ना. हम लोग तो लाइट मार मार के लोग के कमरों में लाइट मारते थे. वी यूज्ड टू डू दैट. वो की होल होता है उसके अंदर भी लाइट मारते थे. दैट वाज That's nice. Nice. Yeah, we've done a lot of things like that. उसके जो ringtones भी थे बड़े very heavy type के थे. So मेरे mom के लिए एक ringtone था, मेरे dad के लिए एक ringtone था. My mom is a little more, I'm a little more scared of my mom than I used to be scared of dad. So mom के लिए एकदम loudest वाला and dad के लिए थोड़ा okay okay. So I have to send different ringtones for different people. Oh, that's lovely. और कोई गिफ्ट किसी फ्रेंड को दिया हो मोबाइल का? मुझे किसी ने दिया था वो सबसे वाला स्मॉलेस्ट. अच्छा वो आया था ना एक छोटा सा स्मॉलेस्ट. एंड समबडी हैड गिफ्टेड मी दैट माइक्रोमैक्स ब्लिंग आल्सो. आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. इट्स सो क्यूट. छोटू सा वाइट कलर का. इनफैक्ट मेरे पास अभी वो पीस पड़ा हुआ है. आई डोंट इवन नो इट वर्क्स ऑर नॉट बट इट्स डैम क्यूट. आई स्टिल हैव इट. Nice with the Swarovski diamond and all that. चलिए आपके दर्शकों को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? आज रात से हेलो ओनली ऑन ऑल्ट मीट मी.